हेलो हेलो सर जी, वो भाग रही है जल्दी। ओए गाड़ी को नंबर नोट करें। देखा ना, व्हील चेयर भी इधर छोड़ के गए, मतलब कि भी व्हील चेयर पे मांग रही है। वो कहती मुझे फा लीजिए, ऐसे हाथ करके बैठी है। और गाड़ी उनके पास कौन सी है? सीवेक गाड़ी है। ये जो मुस्तहिक लोग हैं ना, जिन मतलब जिन्होंने मांगना होता है, उनका हक खा रहे हैं। कोई अल्लाह देना ते देवेगा, कोई मौला देना ते देवेगा, जेनू अल्लाह ने दिता ओ देवेगा। कोई अल्लाह देना ते देवेगा, कोई मौला देना ते देवेगा, जेनू अल्लाह ने दिता ओ देवेगा। कोई अल्लाह देना ते देवेगा, कोई मौला देना ते देवेगा, जेनू अल्लाह ने दिता ओ देवेगा। कोई अल्लाह देना ते दे, कोई अल्लाह देना ते देवेगा। ये तो वही नहीं है जो व्हील चेयर पे मांग रहे थे हॉस्पिटल के पास। ये ना अच्छे खासे लोग होते हैं, देखो वो कहते मुझे फा लीजिए, कैसे भीख मांग रहे थे, अब अच्छे खासे खा भी रहे हैं। चलो क्या लेना है, देख लें क्या मांगने। कोई अल्लाह देना ते देवेगा, कोई मौला देना ते देवेगा, जेनू अल्लाह ने दिता ओ देवेगा। कोई अल्लाह देना ते देवेगा, कोई मौला देना ते देवेगा, जेनू अल्लाह ने दिता ओ देवेगा। ठीक है ना, ये सारे जो नाटक हो रहे हैं ना, इसे बंद करो। हकदार लोग हैं ना, उनका हक खा रहे हो, ठीक है ना। मैं भी पुलिस के कॉल लगाता हूँ, अभी देखता हूँ आपको क्या है। आप ठीक ठाक हो? एक साहब जी मत करो, देखा ना, व्हील चेयर भी इधर छोड़ के गए, मतलब कि भी व्हील चेयर पे मांग रही है। वो कहती मुझे फा लीजिए, ऐसे हाथ करके बैठी है। और गाड़ी उनके पास कौन सी है? सीवेक गाड़ी है। ये जो मुस्तहिक लोग हैं ना, जो जिन मतलब जिन्होंने मांगना होता है, उनका हक खा रहे हैं। कैसे ये जालिम लोग हैं, मैंने देखिए अक्सर ये जो लोग होते हैं, हमने देखे हैं कि कई बाजारों में मतलब व्हील चेयर पे बैठे होते हैं, मांग रहे होते हैं। कई होते हैं मतलब कि उन्होंने एक बाजू छुपाया होता है, वो कहते हैं एक बाजू नहीं है, मतलब कि छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने इसी तरह करके चौकों में, गलियों में, नुकरों में बिठाया हुआ होता है, ये मांगते हैं। हालांकि ये अक्सर ये जो लोग हैं, ये बिल्कुल ठीक होते हैं। ये लाहौर में हम जाए जगह जगह पर ये इसी तरह हो रहा है। ये महंगाई का भी एक रीज़न है, तो चलो महंगाई है जो भी है, हम ऐसे हर जो अच्छे खासे हैं, जो कमा सकते हैं, जिनके हाथ पांव सलामत है, वो ऐसा हरगिज़ ना किया करें। जो मजदूर लोग होते हैं, जो रेल में मजदूर होते हैं, ये उनका हक खा रहे हैं, ये उनका भी हक खा रहे हैं। मतलब कि ये ऐसा गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है, फिर अल्लाह उसको वैसे ही बना देता है। देखिए अल्लाह से डरना चाहिए। तो ये स्टोरी हमें भेजी गई थी, तो हमने बनाई है, इस पर वर्क किया है। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद मेरे साथ मैडम आलिया है, मैडम खुशी है, मैडम राबी है, जिनसे बोलूँगा कि ये क्या कमेंट करें। वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कल की स्टोरी जो हमने बनाई है, हमें बहुत मज़ा आया। जितने पैसे हमने इकट्ठे किए थे, हमने जाके एक बेकरी से पेस्ट्रियाँ खाई हैं, बहुत ही मज़े से खाई हैं। और ये रियल में नहीं था, ये सिर्फ हमने जो है ना, बस आपको दिखाने के लिए ड्रामा बनाया था। वैसे नुमान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो लोग मुस्तहिक होते हैं, जो लोग इस चीज़ के हकदार होते हैं वो भी हम जैसे लोगों की वजह से मार खा जाते हैं। और जो है ना, आजकल तो ये मेरे ख्याल से कोई भी जो है ना मुस्तहिक या हकदार रहा ही नहीं है, क्योंकि अब जो किसी भी सिग्नल पे आप चले जाएं, आपको पूरा ग्रुपों की शेप में ये मिलेंगे। तो ऐसा ना किया करें, जो हकदार है वो भी महरूम हो जाता है इस चीज़ से। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह नाज़रीन मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नुमान टीवी जिंदाबाद।